गायत्री 24 कुंडी महायज्ञ के समापन पर निःशुल्क सर्वजाति विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े लेंगे 7 फेरे। खतौली में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं आदर्श निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन में भव्य कलश यात्रा निकाला, जिसमें 100 मिट्टी के कलश, 270 स्टील कलश आदि सामानों को रखा गया और झांकी संदेश सहित 4 धर्म ध्वजा, रक्षक, घुड़सवार, हजारों लोगों को शाही संख्या के साथ कलश यात्रा का समापन हुआ। पुलिस की देखरेख में कलश यात्रा निकाली गई और यज्ञ के कार्यक्रम एवं निःशुल्क सर्वजाति विवाह सम्मेलन के समापन पर रसोई भोजन प्रसादी यज्ञ स्थल पर टीकम गोयलपुर सरपंच शंभुदयाल शर्मा, हनुमान गुप्ता, मुकेश गोयल आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ संगोष्ठी में सायंकाल में विशाल दीप यज्ञ, 30 मई को यज्ञ और पूर्णाहुति तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन पाणिग्रहण संस्कार होगा। श्रीमान जी, ये जो 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, तो इसके तत्वावधान में क्या क्या आयोजन कर रहे हो आप और क्या क्या मतलब इसकी प्रक्रिया है और कब तक इसका आज से मतलब आयोजन किया है और कब समापन है, इस बारे में थोड़ी जानकारी। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस अवधारणा को संकल्पना को साकार करते हुए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार का आज के 100 साल पहले गठन किया और उसी के तत्वाधान में शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार कोरोना काल के इन 2 सालों में जो गतिविधियाँ शून्य स्तर पर आ गई थी, उस चेतना को पुनः जागृत करने के लिए अखंड भारतवर्ष में जगह जगह पर 24 कुंडी, 51 कुंडी और 108 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला चल रही है। उसी क्रम में हमारा सौभाग्य है कि खातौली नगर को भी इस बार 24 कुंडी महायज्ञ का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये आज से प्रारंभ हुआ है, आज हमारा कलश यात्रा का कार्यक्रम था। सायंकाल 7 से 9 संध्या सत्संग होगा, प्रातःकाल 6 बजे से 7:30 बजे तक प्रज्ञा योग का कार्यक्रम होगा, उसके बाद 8 से 11 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम होगा, जिसमें 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियाँ दी जाएगी। देश को किसी भी महामारी या संकट से बचाने के लिए विशेष आहुतियाँ दी जाएगी और सारे विश्व के कल्याण के लिए कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए विभिन्न देवी देवताओं का आह्वान करके उनकी आहुतियाँ प्रदान की जाएगी। कल दोपहर में नारी जागरण के लिए, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को किस प्रकार समाज में समानता का स्तर प्राप्त हो, उसके लिए शांति कुंज से विशेष प्रतिनिधि पधार कर एक गोष्ठी यहाँ पर करेंगे। सायंकाल दीप यज्ञ का विशाल आयोजन होगा, उसके बाद 30 तारीख को प्रातःकाल वही योग का कार्यक्रम होगा और उसके बाद 8 से 11 बजे जब पूर्णाहुति का यज्ञ संपन्न होगा, तो हमारी एक सहयोगी समिति है, हमारी स्वच्छ स्वस्थ एवं समृद्ध समाज सेवा समिति, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक पंथ दो काज किया जाए। तो परसों 30 तारीख को 11 जोड़ों का आदर्श सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन भी इसी पांडाल में 24 कुंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। उनको समिति की ओर से और दानदाताओं की ओर से विभिन्न प्रकार के उपहार भी भेंट किए जा रहे हैं और इस प्रकार से जगत के मंगल की कामना के लिए कोरोना महामारी से उभर कर हमारा देश और ये संसार पूरा प्रगति की ओर आगे जाए, मनुष्यों में सुसंस्कारों का उदय हो, ऐसी भावना के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने जोड़े हुए हैं इसमें? 11 जोड़े हुए हैं। तो 11 जोड़े से ज़्यादा अधिक जोड़े लेने के लिए आपको? नहीं, हमारा पूरा प्रयास था, हमने काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन पता नहीं विभिन्न परिस्थितियों के कारण हम 11-12 जोड़े ही पंजीकृत हो पाए हमारे पास और उनकी जैसी भी होगी हमारी वैदिक रीति रिवाज से पूरी विधिवत पाणिग्रहण संस्कार की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। श्रीमान जी, आपका नाम बता दीजिए। अंजनी कुमार शर्मा, गायत्री परिवार। ब्यूरो चीफ मुकेश गोस्वामी।